बात करते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की, और खबरें यही आती है कि दोनों के बीच में जो दरार शुरू हुई थी वो अभी तक भरी नहीं है। आपको याद होगा विंडीज रवाना होने से पहले विराट कोहली ने कहा था कि सब अफवाहें हैं, सब कोरी बकवास है, इस तरीके की कोई बात नहीं है, रोहित और उनके बीच में कोई अनबन नहीं है। और उसी समय रवि शास्त्री ने कहा था कि टीम से बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन अब रोहित शर्मा का पोस्ट आया और रोहित शर्मा ने उस पोस्ट में कहा है कि मेरे लिए टीम से बड़ा है देश। तो इसका क्या मतलब है, देखिए इस रिपोर्ट। रोहित का कोहली शास्त्री पर पलटवार, उपकप्तान ने पोस्ट के जरिए किया वार, रोहित ने दिया सबसे बड़ा बयान, हिटमैन ने कहा टीम से ऊपर है हिंदुस्तान। लेकिन इस बार रोहित ने अपने ही कप्तान और कोच पर इशारों ही इशारों में निशाना साधने की कोशिश की है। रोहित ने एक पोस्ट के जरिए कोहली और शास्त्री पर पलटवार किया है और बताया है कि उनके लिए देश के आगे कुछ भी नहीं है। रोहित ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो ब्लू जर्सी पहनकर बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। रोहित ने इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा है, मैं सिर्फ अपनी टीम के लिए मैदान पर नहीं उतरता, बल्कि मैं अपने देश के लिए मैदान पर उतरता हूं। रोहित के इस पोस्ट को कोहली और शास्त्री पर पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि विंडीज रवाना होने से पहले टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा था कि कोई भी खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं है। हम जिस तरीके से खेलते हैं, द वे दिस टीम प्लेज, no individual is bigger than the game, not me, not him, nobody in the team, and the way they play is in the interest of the team, and you cannot have the kind of consistency across all formats if you have, like you mentioned, rifts or divisions or whatever. It is not possible, you know. So when you play on the cricket field in that dressing room, I've been part of it for some time, and none of that nonsense there. वही टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी रोहित के साथ अनबन की खबरों को सिरे से नकार दिया था। देखिए, अगर मैंने भी बहुत कुछ सुना है पिछले कुछ दिनों में, तो सुनने में तो बाहर से ही मिलता है। तो अगर टीम का माहौल अच्छा नहीं होता तो जिस तरीके से हम खेल रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर और एक जो ट्रस्ट फैक्टर और एक जो माहौल है वो कितना ज़रूरी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सीड करने के लिए। तो अगर वो नहीं होती चीज़, तो मुझे नहीं लगता आज हम इस पोजिशन पर होते वर्ल्ड क्रिकेट में। और जो हमारी जर्नी रही है नंबर 7 से नंबर 1 तक, और ODI क्रिकेट में इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, T20 में भी हम स्ट्रांग रहे हैं, वो कमराडरी और रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के बिना नहीं हो सकती। हालांकि इसके बाद विराट ने कुछ खिलाड़ियों के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें रोहित शर्मा नदारद थे, और इसे लेकर फैंस ने विराट को ट्रोल भी किया था। वहीं रोहित शर्मा टीम इंडिया के दूसरे ओपनर शिखर धवन के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए थे, जिससे फैंस ने ही अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि टीम इंडिया में जो ऑल इज वेल की बात कही जा रही है वो सिर्फ अनबन की खबरों पर पर्दा डालने के लिए की जा रही है। क्योंकि फ्लोरिडा पहुंचने पर भी टीम इंडिया ग्रुप्स में बटी हुई नजर आई, जहां रोहित शर्मा एक बार फिर दूसरे खिलाड़ियों के साथ ही फोटो में नजर आए। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने फोटो पोस्ट की है जिसमें ऋषभ और रोहित के साथ श्रेयस अय्यर, भुवनेश्वर कुमार और शिखर धवन नजर आ रहे हैं, लेकिन इस फोटो में विराट कोहली नदारद है। वहीं रोहित ने जो तस्वीर पोस्ट की है उसमें साफ नजर आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और उनका इशारा क्या है। वैसे आपको बता दें कि रोहित और विराट की आग वर्ल्ड कप के दौरान शुरू हुई थी, जब ड्रेसिंग रूम में कोहली और शास्त्री की मनमानी की खबरें सामने आई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टीम का पूरा कंट्रोल कोहली ने अपने हाथों में ले लिया था और उपकप्तान की ओपिनियन को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। सेमीफाइनल मैच से पहले रोहित ने शमी को प्लेइंग 11 में खिलाने की वकालत की थी, लेकिन कोहली ने अपनी चलाते हुए भुवनेश्वर कुमार को मौका दिया। वहीं रोहित के लाख कहने पर भी विराट ने जडेजा को शुरुआती मैचों में चांस नहीं दिया और उन्हें लास्ट फेज में ही मैदान पर उतारा गया। वहीं इसके बाद उन्होंने विराट को अनफॉलो किया और फिर विराट की वाइफ अनुष्का शर्मा को भी इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया, जिसका साफ मतलब था कि रोहित और विराट में बन नहीं रही है। हालांकि जब विराट से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। माय ओपिनियन, इट्स बैफलिंग टू बी ऑनेस्ट, इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस टू रीड सच स्टफ दैट कम्स आउट देयर। आई मीन, आई हैव बीन टू फ्यू पब्लिक इवेंट्स एंड द पब्लिक सेंटीमेंट दैट आई फील, everyone comes up and says, yaar aap log kya khele, we have so much respect for you, and here you know we are feeding off lies, we are overlooking facts, we are turning a blind eye to all the good things that have happened and creating fantasies and scenarios in our head, and we want to accept that this is the truth, and I've seen this for too long now. It's, you know, bringing personal lives into the picture, it's disrespectful after a moment. Honestly, I've played the game for 11 years, Rohit's played for 10 years, it's bizarre that, you know,
पीपल आर क्रिएटिंग दिस स्टफ ऑन द आउटसाइड व्हेन आई सेड द चेंज रूम एनवायरनमेंट. आप लोग आइए, तो आप आइए चेंज रूम में, आप देखिए एक कुलदीप यादव से कैसे बात करी जाती है, एक एमएस धोनी जो सीनियर है उनसे कैसे मजाक किया जाता है. आप देखिए आके माहौल कैसा है. यहाँ पे आके हम आपको वीडियो बना के नहीं दिखा सकते, यू नो. सो इट बैफल्स यू एज अ लीडर, एज अ कोच, एज अ टीम व्हेन लाइज आर बीइंग फ्लोटेड अराउंड एंड यू नो दे आर मेड टू लुक लाइक दे आर बिलीवेबल. इट्स एक्चुअली वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू द ऑन. विराट ने तो विवाद से बचने की कोशिश की थी, लेकिन रोहित ने अपने पोस्ट से साफ कर दिया है कि वो बैकफुट पर नहीं रहने वाले और हर बात का जवाब फ्रंटफुट पर रहकर ही देंगे, चाहे वो बात कप्तान या कोच की ही क्यों ना हो. स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ नेशन.